मुख्यालय के कोतवाली अंतर्गत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जंगली जानवर के शिकार के लिए लगाए गए फंदे में दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए शिकारियों ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर मृतक की कब्र बनाकर दफना दिया। शिकार के लिए करंट लगाने के दौरान एक शिकारी करंट की चपेट में आने से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से इस घटना का राज खुला। दरअसल कोतवाली अंतर्गत खमरिया गांव के बरम बाबा गोरैया के समीप आज से 4 दिन पहले कुछ शिकारी जंगली जानवरों के शिकार के लिए करंट लगाकर एक जाल बिछाया था। इसी दौरान बाजार से अपने घर जा रहे ग्रामीण राकेश बेगा उसी करंट के बिछाए गए जाल की चपेट में आ गया, जिससे राकेश की मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद शिकारियों ने इस घटना में पर्दा डालने व अपने गुनाह को छिपाने के लिए राकेश का शव घटनास्थल से महज 1.5 किलोमीटर दूर स्थित कोलुहा नाला के समीप जमीन में दफना दिया। लेकिन वो कहावत है ना कि गुनाह छिपाए नहीं छिपता, ऐसा ही कुछ उन शिकारियों के साथ भी हुआ। इस घटना के पहले ही शिकारियों द्वारा शिकार के लिए लगाए जा रहे करंट वाले जाल में उन्हीं शिकारियों में से एक साथी प्रेमलाल करंट की चपेट में आने से झुलस गया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं उनके गुनाह का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ कर मामले की पड़ताल में लगी। पुलिस जल्द ही उन चेहरों को सामने लाएगी जिन्होंने इस घटना के बाद उसमें पर्दा डालने का प्रयास किया। लगभग 4 दिन पहले करंट लगने से एक व्यक्ति घायल होकर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, जिसके बाद पुलिस विवेचना के दौरान एक युवक की मौत भी सामने आई है। क्या मामला है? ये थाना कोतवाली में कोलुहा नाला है, उसके पास में एक ग्रामीण जो है वो राकेश बेगा वो मृत हुआ है, और जो जिसका खेत था उन लोगों ने जंगली जानवरों से बचने के लिए करंट लगाया हुआ था, उससे उसकी मौत हुई है। और उसकी मौत के बाद में उसकी लाश को वहीं पास में मेड़ पर दफना दिया गया था। पुलिस को सूचना मिली है, पुलिस ने वहां मौके पर पहुंचकर लाश को निकलवाया है, का पीएम करवाया है, और उसमें जो है मर कायम करके और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। ऐसे निकला तो महाराज गया तो बड़े हक का वक का नहीं रहा के मुझे मनो हवस नहीं रही। महाराज के गोड़ में ये जल गया, ये बस फंस गए हाथ में, मर खुद भी। कहाँ करंट रहा है? वो जैसे अनुभव खेत से निकला मकान है ऐसे पक्का, उनसे निकला तो नहर है, नहर पड़ता वाटर में। तो वहाँ करंट काहे के लिए लगाए थे? अभी मुझे मालूम नहीं आज भाई है, वो बिल्कुल पलाट पड़ के मेरे को से नहीं रही थी। कुछ पता है करंट कौन लगाया था? वही मेरे वाटर पड़ गया, हमारे एक छोटा हंस लड़का रहा वो फिर फूक फूक के ऐसे मुँह में सांस दे दे के। नहीं पता ही करंट कौन लगाया रहा, पता नहीं है कुछ जानकारी है आपको? फिर उन और साथ ही रहा था, उन भाग लें कि हम मर गए। करंट को लगाया रहा वहाँ खेत में? वहाँ लगा रहे हूँ। कौन जी भाग गए? भाग गया रहे हूँ ये तुम्हारा हुआ से ना रहा है। कौन भाग गया रहा कि जानते हो उसको? ना बुला रहे तो कहाँ तुम मिला कर उठा तो लाए पुलिस वाले। खेत वाले मारे थे 3 लोग और फिर हमको बुलाए थे, ये देखा कि ये खत्म कर दिए, बोल रहे हैं भागोगे तो तुमको भी फंसाएंगे, कहा इसको पहले फेंकवाओ का है, तो तार लपेटने लगा वही वजी यार, तो वो फंस गए। काहे के लिए तार लगाए थे? वो आप जानवर मारने के लिए उन लोग लगाए थे सर। अच्छा कितने लोग थे? 3 लोग थे उन लोग सर। क्या नाम है तुम्हारा? नवल किशोर सर।